मोदी के भाषण को लेकर सियासत जरूर हुई, राजनीतिक दलों पर इसका असर भी दिखा, लेकिन आम लोगों पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं था। आम लोगों ने आज दिल खोलकर आजादी का जश्न मनाया और सबसे बेहतरीन तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आईं। जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिस लाल चौक पर 15 अगस्त को कंटीले तार लगे होते थे, आज उसी लाल चौक पर तिरंगा लेकर लोग पूरे जोश के साथ भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। श्रीनगर की सड़कों पर आज हर तरफ तिरंगा लहराता नजर आया, तिरंगा यात्रा निकाली गई, लोग 90 मीटर लंबा तिरंगा लेकर श्रीनगर की सड़कों पर निकले। इसके अलावा लाल चौक के पास सीआरपीएफ के लोगों ने 750 स्क्वायर फीट का तिरंगा लहराया, जिसमें उनके साथ सिविलियंस भी शामिल हुए। श्रीनगर में आज हर तरफ जश्न का माहौल दिखा। जो लोग इस तिरंगा यात्रा में इकट्ठा हुए थे, उनका कहना था कि अब कश्मीर काफी बदल चुका है। जो लोग बाहर से श्रीनगर घूमने आए थे, उनके लिए भी ये बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। आप देख रहे हैं कि सर अब कश्मीर बदल चुका है। हम जोश के साथ 15 अगस्त जो मना रहे हैं दिलो जान से, बच्चे नौजवान सब हम रोड पे निकल के आज हम मना रहे हैं, जो 15 अगस्त मना रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमें लग रहा है कि हमारा कश्मीर आतंकवाद से मुक्त हो गया। आज हम खुशी से रोड पे निकल के अपने तिरंगे को लेके रोड पे जो शो कर रहे हैं। वो पहले वाली कश्मीर नहीं रही, कश्मीर बदल चुका है। यहाँ के यूथ सब सपोर्ट कर रहे हैं और ये पहले से काफी कुछ बदल चुका है। हाथ में इतना करीब 90 मीटर लंबा तिरंगा हाथ में लेकर चलना, क्या एक अनोखा सब कुछ दिख रहा है ये? जी जी, ये अनोखा है। ये अब ये जैसे पहले अपना भारत का अभिन्न अंग था, वैसा ही है और ऐसा ही रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये अपना एक ही भारत है और यहाँ कोई ऐसा भी इशू नहीं है। ये पुराना जैसा था वो वैसा ही चल रहा है। काफी पॉजिटिव वाइब्स हैं, अच्छा लग रहा है। तो क्या फील कर रही हो भाई? क्लॉक टावर के पास है, बच्चे आपके पीछे में, भारत के जो है लाल चौक है, तिरंगा हमारा लहरा रहा है, बहुत अच्छी बात है। देख रहे हैं कि आपके हाथ में भी तिरंगा है। आज पूरा देश जो है 15 अगस्त मना रहा है सेलिब्रेशन। कश्मीर में लग रहा है कि आज यहाँ पर भी इस तरह की तस्वीर दिख रही है जो पूरे देश में दिख रही है आज? जी एक्चुअली काफी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी जगह हमने तिरंगे देखे, एक्सपेक्टेड नहीं था बट अच्छा लगा। हम दिल्ली से आए हैं तो, लेकिन यहाँ पर भी वही इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है जैसे दिल्ली में मनाते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद अब कश्मीर की रंगत बिल्कुल बदल चुकी है। अब वहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, जश्न आजादी मनाया जाता है, लोग बिना डरे लाल चौक पर तिरंगा लेकर तस्वीरें खिंचवाते हैं और कश्मीर में रहने वाले हिंदू मुसलमान सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। बदलाव दिख रहा है, हमें सालों से इसका इंतजार था, आज ये पूरा होगा। हम बड़े शौक से आ रहे हैं, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है आने में। सुबह से खुशी से इलाके में इसको घूमते फिरते हैं, लहराते हैं। लाल चौक में हमेशा एक बड़ा विवाद रहता था तिरंगे को फैलाने के लिए, आज क्या किस तरह की तस्वीर दिख रही है? नहीं, आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है। जो भी आता है यहाँ पे अपना खुशी का इजहार करता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। देश भर में जिस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, आज आपको कश्मीर की तस्वीर क्या मुख्तलिफ दिख रही है? हाँ बिल्कुल, उससे बहुत डिफरेंट है, पहले से बहुत डिफरेंट है। पहले ये मिनिस्टर लेवल तक लहराया जाता है, आज हर एक के घर घर में ये तिरंगा है। आज एक सरपंच पंच वो भी लहराता है, 15 अगस्त का दिन खुशी से मनाता है। पहले हमें इससे दूर रखा जाता था गांव देहात में, हमें इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। तो हर घर तिरंगा की जो मुहिम शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसका असर कश्मीर में है? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक आप देखिए, हमने सुबह से जो मूवमेंट की, हमने हर जगह देखा, हर दफ्तर स्कूल हर घर में देखा, आम गांव में देखा, हर मोहल्ले में देखा, हर जगह देखा। कश्मीर में बदलाव दिख रहा है। पहले देश ने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब इक्का दुक्का लोग लाल चौक तक छुपाकर तिरंगा ले जाते थे, कंटीली तारों की बाढ़ होती थी, चारों तरफ सुरक्षा कर्मी, बख्तरबंद गाड़ियां होती थी, तिरंगा फहराने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगर वो भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाने की कोशिश करता था तो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज बंद करा दी जाती थी। ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। अगर आज उसी लाल चौक पर लोग तिरंगा लेकर आजादी से खुलेआम घूम रहे हैं, लाल चौक पर तिरंगे के साथ सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि कश्मीर की फिजा में बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है।
इस बदलाव का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए, क्योंकि आजादी के 72 साल के बाद मोदी ने आर्टिकल 370 खत्म करने की हिम्मत दिखाई और आज कश्मीर के लोगों ने उन लोगों को जवाब दे दिया जो कहते थे कि धारा 370 को हटाने के बाद कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। जो लोग ये बात कहते थे वो आज कहीं नहीं दिखे। स्वतंत्रता दिवस का जश्न आज हर वर्ग के लोगों ने, हर कम्युनिटी के लोगों ने एक जैसे उत्साह के साथ मनाया। लखनऊ के इमामबाड़ा से लेकर ईदगाह तक एक जैसी तस्वीर दिखी। इमामबाड़ा में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे सुबह से ही इकट्ठा थे, प्रभात फेरियां निकाल रहे थे। बच्चों के हाथों में तिरंगा था। उनका कहना था कि हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो कुर्बानी दी है, ये दिन उसे याद करने का है और ये संकल्प लेने का है कि हम देश को तरक्की की राह पर आगे ले जाएंगे। ये एक उत्सव है, खुशी है और हर एक शख्स को खुशी मनाना चाहिए, खुलकर खुशी के मौके पर खुशी का इजहार करना चाहिए। क्योंकि आज हमारे बहुत से आबाओ अजदाद ने इस वतन अजीज के लिए अपना जान का नजराना पेश किया, तो क्यों ना खुशी मनाए। हम आज़ादी 75 साल हो चुके हैं, हालांकि इससे पहले भी मनाते थे, मगर तारीख से इतनी तारीख शायद है, इससे पहले जो तारीख उठाई के देखे जाए तो सबसे पहले मालूम होता है कि हमने, हमारे आबा अजदाद ने इस देश के लिए बहुत से जान से भी कुर्बानी दी, माल से भी कुर्बानी दी, वक्त से भी कुर्बानी दी। अब हमारा ये आज़ादी के दिन जश्न मनाना, ये हमारे बड़ों के आबा अजदाद की यादगार है। लखनऊ की ईदगाह में भी आज बड़ा जलसा था। शाहीन एकेडमी में पढ़ने वाले हजारों बच्चे यहां पर इकट्ठा हुए थे। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने तिरंगा फहराया, बच्चों ने आजादी के गीत गाए। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि पिछले 3 दिनों से ही उत्सव चल रहा था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। आज 75 साल मुल्क आज़ादी के मनाए जा रहे हैं, इसमें हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में दारुल उलूम फिरंगी महल हो या शाहीन एकेडमी हो, सब लोग मिल करके इसको बड़े पैमाने पे मना रहे हैं। इसमें बच्चों में तिरंगा पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी हुआ है, स्पीच कॉम्पिटिशन भी हुआ है और स्पीच में ये टॉपिक पर भी बच्चे बोले हैं कि लास्ट 75 ईयर्स में हमारे मुल्क ने क्या पाया है, और जो भी फ्रीडम फाइटर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं उस पर भी बच्चों ने बहुत अच्छी स्पीचेस दी हैं। और इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि जो यंग जनरेशन है उसको इस बात का इल्म हो कि हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने मुल्क को किस तरीके से आज़ाद कराया है। यूपी के कई और शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। मुरादाबाद में मदरसा जामिया नई मियां में आज़ादी का जश्न मनाया गया। तमाम मौलानाओं, मुफ्तियों ने आज एकता भाईचारे का संदेश दिया, मिलजुल कर रहने की बात कही और देश की तरक्की की कामना की। गुलामी एक मौत है और आज़ादी हयात है। हम, हमारा मुल्क हमारा पहले गुलाम था, अब आज़ाद हुआ, इसको 75 साल हो चुके हैं। इसमें खुशी का इजहार करना, हम सब मिल कर के रहें, खुशियों का इजहार करें, इत्तेहाद का सबूत पैदा करें। हम मुल्क में रहने वाले सभी लोग मिल कर के रहें और अपने, हाँ, मोहब्बत को कायम दायम रखें, इंतशार होने से बचाएं, इसका लिहाज रखें, सब मिल कर के रहें। हम मुल्क के वासी हैं, अच्छे अंदाज से जो कुछ कहना है कहा जाए, किसी में नज़ा पैदा ना हो, इंतशार पैदा ना हो, इसका लिहाज करना ज़रूरी है। जुलूस चल रहा है, इसी अंदाज से हम इसी बात का पैगाम देते जा रहे हैं, यौम आज़ादी अहले वतन को मुबारक हो। बेंगलुरु की सबसे पुरानी जामा मस्जिद में भी आज आज़ादी का जश्न मनाया गया। अहमदाबाद में भी मुस्लिम भाइयों ने आज़ादी के जश्न में तिरंगा यात्रा निकाली। अहमदाबाद के जुहूपुरा इलाके में तिरंगा रैली में 2300 फीट लंबा तिरंगा लेकर लोग सड़क पर निकले। लोगों का कहना था कि इस आज़ादी में सभी का योगदान है, इसलिए सभी का फर्ज है कि तिरंगे की आन बान शान को हमेशा बनाए रखें। हमारे पुरखों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने, सभी जाति ने मिलकर इस आज़ाद को किया है और इसके लिए जान गंवाई है, यहाँ के जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी करवाए। और हमको भी यही शिक्षा दिया गया है कि तुम इस परचम को नीचे गिरने मत देना। देश के विकास के लिए आने वाला इस दिन का अच्छे के लिए सोचते हम, जो देश
आगे आए, देश तरक्की करे, देश सब कुछ अच्छा के लिए सब एक साथ एकता की प्रदान करे। हरिद्वार से भी आज बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई। हरिद्वार में स्वामी रामदेव ने मदरसे के छात्रों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। स्वामी रामदेव ने एक मदरसे में तिरंगा फहराया, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया और इसके बाद हरिद्वार की सड़कों पर स्वामी रामदेव ने नौजवानों के साथ सड़क पर तिरंगा लेकर यात्रा निकाली, कई किलोमीटर की तिरंगा यात्रा। आजादी के 75 वर्ष हमने जब पूर्ण कर लिए हैं तो शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, नशा से आजादी, गरीबी से आजादी, भूख, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी से आजादी, आजादी आपसी नफरत से, आजादी जातिवाद से, आजादी प्रांतवाद के उन्माद से और मजहबी उन्माद से, आजादी सभी प्रकार के हेट से, इंटॉलरेंस से, और आजादी सभी प्रकार के देशद्रोह से। और इसीलिए आज देश के हर घर पर, हर मठ पर, हर मंदिर पर, पतंजलि योगपीठ से लेकर के पूरे देश में आज मैं जज्बा देख रहा हूँ। आज मुझे यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने बुलाया कि आप हमारे प्रांगण में आइए, हमारे मदरसे में, हमारे मस्जिद में आकर के तिरंगा लहराइए। ये भारतीय भाईचारा की, ये राष्ट्रीय भाईचारा की एक बहुत बड़ी मिसाल आज देखने को मिल रही है। मैं चाहता हूँ ऐसे ही देश आगे बढ़ता रहे। आज देश में जिस भाईचारे के साथ, जिस उत्साह के साथ आज का दिन मनाया गया, उसे ये बात तो साफ है कि पूरा देश मजहब की दीवारों को तोड़ रहा है, जाति के बंधनों को काटकर एकजुट होकर हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से जो संकल्प कराए, उन्हें पूरा करने के लिए देश पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।